भ्रष्टाचार धांधली आज के समय में आम बात हो गई है। रोज नए नए तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। कुछ मामले में जांच होती है तो कुछ मामले सांठ गांठ से दबा दिए जाते हैं। एक ताज़ा मामला धांधली से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश के जिला फरुखाबाद से आया है, जिसमें ब्लॉक नवाबगंज की ग्राम पंचायत अठुरिया के कुछ ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व प्रधान ने मनरेगा का कार्य अधिकतर जेसीबी द्वारा कराया था। कुछ कार्य मनरेगा मजदूरों से कराया गया, जिसका अभी तक उन्हें मजदूरी नहीं मिली है। पहले जनता के आरोप को आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आज हम आए हैं फरुखाबाद ग्राम पंचायत अटुरिया में, जो ब्लॉक नवाबगंज में पड़ता है। आइए आज हम ग्रामीणों से बात करते हैं, इनके गांव में अभी तक क्या विकास कार्य हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? नाम है अभिषेक। जी, आपके ग्राम पंचायत में अभी तक क्या विकास कार्य हुए हैं? हमारे गांव में विकास कार्य कुछ नहीं हुए हैं। भूतपूर्व प्रधान ने मनरेगा का काम दिल्ली द्वारा कराया गया है और उसका फिर लेबरों द्वारा काम कराया गया, उसका पैसा नहीं मिला है, भुगतान नहीं किया है। और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौतम सर। आपके ग्राम पंचायत में नरेगा का जो कार्य मिलता है, नरेगा का कार्य अभी तक कराया गया है? जी, हुआ था। जी, जैसे वर्तमान में जिस सड़क पर हम खड़े हैं, जी जी, इसी पे चला है। जी, इससे पहले जो चला था जी, पूर्व प्रधान के कार्यकाल में, जी जी, उसमें तालाब खुदाई हुई थी। जी, उसमें जितने भी लेबर ने काम किया है, उसमें कुछ लेबर के पैसे मिल गए हैं और कुछ के नहीं मिले हैं। जी, ग्रामीणों का कहना है कि जो नरेगा का काम कराया गया है, वो जेसीबी द्वारा करा लिया गया है। यहाँ के ग्रामीणों को जो कार्य नरेगा के द्वारा जो दिया जाता है, वो पैसा नहीं इनके खाते में दिया गया है। तो आइए हम और समस्याएं जानते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। आपके गांव में अभी तक क्या कार्य होने बाकी हैं? अभी मेरे गांव में बहुत कार्य होने बाकी हैं। जी जी, क्या देखे, क्या क्या जैसे कि अभी नाली थोड़ी बनने को है, वो भी नहीं, पिछले 5 साल में बन पाई है। जी जी, वो पानी जा रहा है मेरी जगह में, अब भाई की जगह में जा रहा है। कोई ऐसा यहाँ पर उपस्थित है? दिखाइए, इधर दिखाइए। कोई ऐसा यहाँ व्यक्ति हो जिसका शौचालय ना बना हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुले में शौच जा रहा हो, शौचालय ना बनाया हो? शौचालय सबके बने। जी, इस्तेमाल हो रहा है शौचालय? जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जगदीश। आपका शौचालय बना हुआ है? जी बना। इस्तेमाल हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये तो बारह में। आपका नाम? अखिलेश कुमार। आपका शौचालय बना? अभी आप शौच के लिए कहाँ जाते हैं? अभी पापा के लिए। क्या हुआ आपके आवास का? आवास का भूतपूर्व प्रधान राजेश चौहान ने हमारा आवास काट दिया, और दीवार पर आवास चढ़ा हुआ है। लिस्ट में नाम है आपका? लिस्ट का लिस्ट में नाम है हमारा, और ये आवास नहीं बना गया, उसने कटवा दिया। पूर्व प्रधान के द्वारा जो आवास बनाया, जो लिस्ट में आपका भेजा गया था, आपका मकान है? हमारा मकान नहीं है, हमारे पास छप्पर और झोपड़ी पड़ी हुई है। अब मैंने 3 हफ्ते उसमें गुजारा करते हुए यहाँ ग्रामीणों की समस्याएं जानी। आइए हम माता जी से बात करते हैं। जी, माता जी का क्या कहना है? जी, जी। क्या नाम है माता जी? जी, आपकी क्या समस्या है? कल्याणी का समस्या, कोई सरकारी नल ना जम रहे हैं जी, और कोई नाली नायब नहीं है जी, और हमारी कॉलोनी ना है, प्रधान ने पिछले प्रधान ने कॉलोनी ना बनवाई। आपका मकान कच्चा बना हुआ है? हाँ, मिट्टी का है, तीन पड़ी है, तीन पड़ी हुई है। आवास नहीं मिला है? आवास ना मिला, और मेरे घर वाले ने काम करो तो एक महीना, ताकि कोई मजदूरी ना मिली, नरेगा में काम करो तो साल में जी। पिछले प्रधान ने कोई पैसा ना दो, आजकल कतरे कोई पैसा ना दो है। हमारे घर से सीधे सांचे पे कुछ कहना चाहता है। आपने देखा कि अठुरिया की जनता सीधा ग्राम प्रधान पर आरोप लगा रही है। यह ग्राम प्रधान पूर्व हैं। मामले में जब वर्तमान ग्राम प्रधान से वार्ता की गई, तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को भुगतान करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बताया कि पूर्व प्रधान द्वारा सामुदायिक शौचालय का कार्य कराया गया था, जिसे पूर्ण हुए करीब 1 वर्ष हुआ है और इसकी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है।
ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में गौशाला का भी जिक्र किया, जिसमें बताया कि ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण कराया गया था, जिसका इस्तेमाल अब पूर्व प्रधान खुद कर रहे हैं। मामले में एक जांच की जरूरत है। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमें लिख भेजें। आपको मेल आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारी कोशिश रहेगी आपकी समस्या तक पहुंचने की। अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। नमस्कार।